billahi minash shaitanir rajeem. Myself Zulfiqar Ali, General Secretary of All Ladakh Student Association Bhopal. जैसे कि हमें पता है कि आज जम्मू में एक एहतजाज हो गया था स्टूडेंट्स की तरफ से रिगार्डिंग एक जेन्युइन डिमांड था उनका एक फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी हो लद्दाख रीजन में. तो इसी को नजर में रखते हुए मैं कुछ अपना पॉइंट्स यहाँ पर रखना चाहता हूँ. और सबसे पहला तो हम एजुकेशन की बात करें. एजुकेशन एक सोसाइटी में कितना अहमियत रखता है. एक सोसाइटी को अगर हम बात करें आगे जाने की, तो एक सोसाइटी में एक एजुकेशन जो वो वाइटल रोल प्ले करता है उस सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए. बात करें अगर हम एजुकेशन इन लद्दाख के, तो लद्दाख में एजुकेशन किस टाइप का है, कितना मतलब वहां पे एजुकेशन वीक है और क्या रीजन रहा वहां पे एजुकेशन वीक होने के लिए. तो हम सबको पता है हमारे लद्दाख रीजन में बहुत सारे वार हुए थे. जैसे कि हम कारगिल वार की बात करें, जैसे कि इंडो चाइना वार, जिसकी वजह से ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे लेह और कारगिल, यहाँ पे काफी सारे मतलब डिस्टर्बेंस आ गए थे. इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे खराब हो गया था, इकोनॉमिक पे काफी वहां पे खराब हो गया था, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम भी बिल्कुल वहां पे डिस्टर्ब हो गए थे. और करंट सिचुएशन में भी एजुकेशन सिस्टम बहुत ही वीक है. और वीक होने का वजह यह है कि जो लद्दाख रीजन है वो काफी दूर एरिया में बसता है और वहां से लोगों को बाहर जाना पड़ता है एजुकेशन हासिल करने के लिए, आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है. तो आउट ऑफ स्टेट जाने के लिए लोग काफी मतलब वहां पे सफर करना पड़ता है, एक्सपेंसिव होता है. और अगर जम्मू में जाए तो वहां पे एक्सपेंसिव, कश्मीर में जाए तो वहां का तो ऑलमोस्ट हालात जो है खराब ही रहता है, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स को काफी सफर करना पड़ता है. 3 साल के कोर्स को 5 साल लग जाते हैं वहां पे, जिसकी वजह से उनके करियर पे काफी ज्यादा वहां पे असर पड़ता है. और सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वहां की वीकनेस की एजुकेशन, तो हमारे लीडर्स है जो लद्दाख के लीडर्स है लेह और कारगिल के, वो एक जेन्युइन डिमांड यूनाइट होके नहीं रखते एक फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी के लिए, जबकि ये एक जेन्युइन डिमांड इसको रखना चाहिए. जैसे कि लेह में लेह के लीडर्स यूटी के लिए रखते हैं, और जो जैसे कि कारगिल के लीडर्स ग्रेटर लद्दाख के लिए रखते हैं, वैसे ही यूनाइट होके अगर एक फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी के लिए वो लोग जेन्युइन डिमांड रखे तो काफी अच्छा होगा. लास्टली एस जनरल सेक्रेटरी ऑफ अलसर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब आज जहां पे भी एहतजाज हो गया लद्दाख स्टूडेंट्स ने, कारगिल में, लेह में, जम्मू में, आउट ऑफ स्टेट भी उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, तो मैं भी उसी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अपने लीडर्स से कि वो एक जेन्युइन डिमांड रखे सेंटर में, ताकि हमारे लद्दाख में भी एक यूनिवर्सिटी हो. रहमतुल्लाह.